कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर धरना दे रहे हैं, शिक्षकता में काबिज कुछ लोग हैं जो अपने मन मर्जी से सरकार चला रहे हैं, जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना से मरिए या कुछ से भी मर जाइए, तड़प तड़प के मर जाइए, आपका सुध लेने वाला अब सरकार नाम की चीज बिहार में रह नहीं। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से मौत पे मौत हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ बेरोजगार भी सड़कों पर भटक रहे हैं और चिराग पासवान हमला बोल रहे हैं। हमारे साथ चिराग के पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद है। चंदन जी, जहरीले शराब से मौत, जदयू भाजपा लड़ रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये तो बहुत पहले से हम लोग कह रहे थे कि जो जहरीली शराब, अवैध शराब है बिहार में, ये तकरीबन हर जिले में मौत हो रही है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हुआ है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अब पुलिस की मिलीभगत है और कहीं ना कहीं जदयू की मिलीभगत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग तो उनका इस्तीफा मांगते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मृतकों के परिवार से मिल के ढांढस बना रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के पास इतना समय नहीं है कि देखिए, जो जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोग थे वो तो मर गए, लेकिन अब उनके परिवार भोग रहे हैं और सरकार के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं अब उनके परिवार को भी यह तंग कर रहे हैं। हमारा आग्रह है महामहिम राज्यपाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, बिहार में सरकार नाम की अब कोई चीज़ नहीं बच गई है। अब यहाँ पर जो है हर जिले में ऐसी मौतें देखने को मिल रही हैं, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन राज्य सरकार इसको छुपाने का काम कर रही है। पार्टी, दोनों बड़ी पार्टी जो सरकार चला रही है, तो बेरोजगारों का क्या होगा? देखिए, यहाँ बेरोजगारों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। 1,14,791 वार्ड सचिव दर दर भटक रहे हैं, अभ्यर्थी आए दिन धरना कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर धरना दे रहे हैं, शिक्षक धरना दे रहे हैं, तो बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर एक निरंकुश सत्ता में काबिज कुछ लोग हैं जो अपने मन मर्जी से सरकार चला रहे हैं, जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना से मरिए या कुछ से भी मर जाइए, तड़प तड़प के मर जाइए, आपका सुध लेने वाला अब सरकार नाम की चीज बिहार में रह नहीं गई है। और यह हम नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं के गठबंधन के जो सहयोगी हैं चिल्ला चिल्ला कर वही बोल रहे हैं और यह लोग आपस में झगड़ा करने में मशगूल हैं। बिहार के 13 करोड़ आवाम का सुध लेने वाला अब कोई रहा नहीं बिहार में, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और दोबारा यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, दोबारा चुनाव हो, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।